नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हाउ एवर इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, हाउ एवर इट इज कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर। लाइक इन सोलर हीटर पैनल, ये देखिए सोलर हीटर पैनल है, तो सनलाइट इज गेटिंग कन्वर्टेड, सोलर लाइट इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। दैट मीन्स लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। हाउ एवर इन सोलर पैनल्स, सोलर पैनल से क्या होता है, हमारे घर की बिजली चलती है, तो हियर लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज आर सोलर सेल्स। इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, किसी एक स्क्वायर ऑफ सोलर में आप जो देख रहे हो उसी में ही हजारों सेल हैं। तो इस तरीके से जो भी हो, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग कामों में यूज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर वाटर हीटर में क्या हो रहा है, तो लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। इन सोलर वाटर हीटर लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। उसी से वाटर बॉइल होता है। और इन सोलर सेल्स, सोलर सेल में क्या होगा कि लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गेटिंग कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कभी एक अगर आप रबर बैंड में स्टोन लेकर उसको थ्रो करें, खींच कर, जो गुलेल होती है कि पत्थर को मारने के लिए, तो उसमें व्हेन यू पुल द स्टोन अलोंग विद रबर बैंड बैक, देन इट इज कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन। एंड व्हेन यू लीव इट, देन स्टोन इज ट्रेजेक्टेड एंड इट हिट्स सम एप्पल एंड एप्पल फॉल्स डाउन। तो उस गुलेल से आप किसी फ्रूट को तोड़ सकते हैं। तो इन दैट स्टोन अलॉन्ग विद रबर बैंड पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टोन को एक स्पीड मिल जाती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद वर्क हैज यूनिट जूल। सभी की यूनिट जूल है। सो यूनिट ऑफ, चाहे लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, या और किसी फॉर्म भी हो, साउंड एनर्जी हो, जो भी हम जानते हैं, और वर्क की भी, यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क, वर्क की भी यूनिट इज जूल। जूल पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आपने सिंबल में लिखा तो जे कैपिटल लिखेंगे। नाउ एज वी हैव सीन दिस दैट वेरियस आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नाउ वी विल कम बैक टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारी बुक में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में है, इसके बारे में ज्यादा जानना है। सो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी. सो लाइक अ बुलेट इज फायर्ड, सो बुलेट हैज काइनेटिक एनर्जी. अ मिसाइल, अ रॉकेट, व्हेन दीज आर मूविंग एयरक्राफ्ट, मूविंग ट्रेन, दीज ऑल आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज, इसको ई के भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपकी बुक में ई के लिखा है, आगे के क्लासेस में के ही कहा गया है. इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ मूविंग बॉडी एंड वी इज इट्स वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी, ऑल एनर्जीज आर स्केलर्स, सब स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी की कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन होती है, तो उसमें कंटेन्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, पॉसिबिलिटी टू डू वर्क. सो हियर एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी, वी इज जो भी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा, ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ एनर्जी होती है. तो जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का और ये 4 m/s से जा रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो ई के क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 × वी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया और 4 का स्क्वायर कर लो तो 16 joule. सो 16 joule इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाई दिस ऑब्जेक्ट. तो मास भी, मास की जगह मास लिख लीजिए, वेलोसिटी का स्क्वायर कर लीजिए. नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी प्रूव्ड बाई वर्क एनर्जी थ्योरम. ये जो मैंने फार्मूला बताया है इसका प्रूफ 5 marks का आता है. सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. सो लेट अस नो वॉट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट ऑल्सो. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ये है वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. जैसे आपने किसी पे वर्क डन किया तो कोई भी चीज ये है. अब ये शुरू में यू स्पीड से चल रही थी और आपने इस पे फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया, तो फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाने के बाद आपने इस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया होगा, एस डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपका वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इंटू एस, यही तो वर्क डन हुआ. लेकिन आपने जब इसको धक्का दिया तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई, तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. अगर इसका मास एम है तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज ई के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ई के होता है काइनेटिक एनर्जी और आई का मतलब इनिशियल. ये हुई हाफ एम यू स्क्वायर, जैसा कि इसके हिसाब से, तो जो वेलोसिटी होगी, अब चूंकि यहां वी है यू है तो यू लिख दिया. अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर. किसी भी चीज को आप फोर्स लगाओगे, कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहो, फोर्स आप उस पर छोड़ नहीं सकते. फोर्स जब भी वर्क डन भी करते हो तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा. तो अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया. अच्छा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, दैट इज उसको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी है। इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। फाइनल में से इनिशियल हमेशा करते हैं, शुरू में, शुरुआत से ही ऐसा ही किया है। तो फाइनल यहाँ कितनी है? अभी आपके पास 5 रुपए है और फिर कोई आपको और पैसे दे दे, 10 रुपए हो जाए, तो कितना चेंज हुआ आपके मनी में? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 5 करोगे तो 5 रुपए का चेंज आ गया। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं हाफ कॉमन ले लूँ और एम भी कॉमन ले लूँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई। अच्छा, वर्क डन कितना हुआ? फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है कि जितना भी वर्क डन होगा इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने देख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क की जगह चाहो तो एफ एस भी लिख सकते हो, जैसे हमने बताया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो तो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। और अदरवाइज अगर ये भी बोलोगे तो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेट अस प्रूव इट। सो प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यू स्पीड एंड ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, एंड द स्पीड इज नाउ वी, इसका मास एम है। सो अब अगर ऐसा आप करते हो और इसके साथ ही साथ आपने इसको कुछ डिस्प्लेस भी कर लिया है, कितना डिस्प्लेस किया होगा? एस, ऐसा। सो इफ we apply F force लगाते हैं on an object of mass m initially moving with, जो शुरुआत में कैसे move कर रहा है, initially moving with U speed से चल रहा है, एंड डिस्प्लेस इट, जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस कर पाएंगे, एंड डिस्प्लेस इट बाई एस मीटर, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल इसकी स्पीड है, स्पीड ही लिख लें, स्पीड इज वी मीटर पर सेकेंड, फाइनली आपने इसकी स्पीड वी कर ली, एंड द डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड फोर्स इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड। अगर इतना हमने किया है तो अब जरा देखें एफ क्या होता है। एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ की तो ये वैल्यू होती है। ये किस वजह से है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ए क्या हुआ, एफ बाई एम, ए की वैल्यू हो गई एफ बाई एम। तो हमने फोर्स लगाया तो उससे एक्सीलरेशन भी होगा, किसी भी चीज पे फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। नाउ अब देखिए, By थर्ड काइनामेटिक इक्वेशन हम ये बात जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी हम जानते हैं। ये कैसे जानते हैं? इट इज थर्ड काइनामेटिक इक्वेशन।
तो हमने इसको लगा दिया, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। नाउ आप देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ऐसा कर दिया हमने, इसको इस साइड ले लिया। नाउ अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, a को इसके नीचे ले आइए, तो फिर a को इसके नीचे ले आओगे, 2 को भी इसके नीचे ले आओगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो वहां क्या बचेगा, s बचेगा, s आ गया। एंड अब आप दोनों तरफ क्या करें, जब आपने 2a इसके नीचे ले लिया है, सो वर्क डन क्या होता है बताइए, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने s की वैल्यू निकाल ली, इसी से s के निकाल लिए, देख लो थर्ड फार्मूला लगाया, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब सारी चीजों का वैल्यू डालिए, एक तो फोर्स की वैल्यू डालिए, यहां से ये फोर्स है तो इसको यहां फोर्स डाल दो, और ये क्या है बताओ, एस, तो फोर्स की भी वैल्यू डालो और एस की भी वैल्यू डालो। सो फोर्स की वैल्यू क्या डालोगे, एम ए, और एस की वैल्यू क्या डालोगे, दो चीजें हैं ये, फार्मूला तो आपको पता ही है, तो फोर्स की वहां से डाल दो और एस की यहां से डाल दो, थर्ड लॉ से। तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन से दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये चीज है। अब देखिए नाउ a से a कैंसिल हो गया और 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ गया, m बाहर है, और अंदर लिखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इट इज इक्वल्स टू ई के एफ माइनस ई के आई। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, बहुत आसानी से प्रूफ किया है। एक हमने थर्ड इक्वेशन ली है और एफ इज इक्वल टू एम लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं है, इस वाली की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसे आप ऑमिट कर सकते हैं, यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये हटा दीजिए। तो ये चीजें बस इसको लिखिए, फिर ये करिए, और इसके बाद सिंपली आप इसमें वह एफ इंटू एस में एफ इज इक्वल टू एम ए डाल दीजिए, इसकी यहां से वैल्यू डाल दीजिए, ए कट जाएगा, और फिर खोल लीजिए। सो इट इज वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये चीज हो गई। अब जरा देखो, इफ ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, तो ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया, यही वर्क एनर्जी थ्योरम थी, और इसका कई जगह भी यूज करेंगे क्वेश्चन करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर के लिए। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो शुरू में रेस्ट पर है, तो उसमें यू फिर जीरो हो जाएगा, और फिर उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो शुरू में रेस्ट पर भी हो सकता है, तो ऐसे केस में यू हम जीरो रख देंगे, तो वह इसी में रखो, अब सारी चीजें इसमें फिर से रख दो, लेकिन यू जीरो रख दो, तो इसी को फिर से रखो। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया। अच्छा अब ये अगर जीरो हो गया है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये एम वी स्क्वायर इज द एनर्जी कंटेन्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू मोशन, सो वॉट एवर वर्क इज डन इज टोटली कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वर्क डन हमारी मस्कुलर एनर्जी है और अब वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। सो व्हेन बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट देन वॉट एवर वी डू वर्क इज टोटली कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। व्हेन
और अगर वो शुरू से चल रही है तो डिफरेंस के इक्वल होगी, फिर उसमें बढ़त होगी। मान लो शुरू से चल रही है 2 जूल एनर्जी है और हमने 4 जूल वर्क और कर दिया, तो उसके पास 6 जूल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि जो हम काम करेंगे और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना जिस डायरेक्शन में चल रही है, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर हम कोई चलती हुई चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, और रुकी हुई चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसको हमारा जितना भी वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। व्हेन बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से है, एट रेस्ट देन आवर वर्क डन इज कन्वर्टेड एंड वी पुश एन ऑब्जेक्ट, पुश कर रहे हैं, देन आवर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। भाई लॉ, एक एनर्जी का फॉर्म से दूसरे में वो कन्वर्ट होता है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। सो एग्जाम्पल नंबर 11.3, नाउ एग्जाम्पल 11.3, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 m/s, वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। सो आपको मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी है और काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल 11.3, सो मास इज गिवेन 15 kg एंड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गिवेन 4 m/s, डायरेक्शन तो नहीं दी है बट मैग्नीट्यूड दिया है, हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए। सो ई के का क्या फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 15 इंटू 4 स्क्वायर, इट इज हाफ इंटू 15 इंटू 16, 2 से इसको कट कर दीजिए तो इट इज 120 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाई ऑब्जेक्ट इज 120 जूल, काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाई बॉडी इज 120 जूल, क्योंकि जूल ही इसकी यूनिट होती है। एग्जाम्पल 11.4, वॉट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h। हमको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जितना काम करेंगे दैट इज टोटली यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज यूटिलाइज्ड टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ लिया है, दैट इज लाइक दिस, कि कितना वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। सो एग्जाम्पल 11.4, इनिशियल स्पीड कितनी, सब चीजों को ऐसा यूनिट बदलना होगा। सो इनिशियल स्पीड इज 30 km/h, इसको चेंज करें, सो 30 इंटू, जब हम 5/8 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इंटू m/s। ये क्यों ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको हमने क्या किया, 30 km/h, फिर इसे लिखा 30 × 1 km/h, किलोमीटर तो 1 km, 4 किलो आलू दैट इज 4 × 4 times of 1 किलो आलू, तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ है 30 km, 30 × 1 km/h। अब 1 किलोमीटर को आप क्या करोगे, 1000 m, और 1 आवर को आप 3600 s में कन्वर्ट कर लोगे, तो 2 0 और 2 0 कट गए,
फिर 2 से इसे कट किया तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड के मल्टीप्लिकेशन से उसे कन्वर्ट किया जाता है एसआई यूनिट में। अब इसको कट किया जा सकता है 2 से, तो इसको कट कर लें, 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 15 और यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसको क्या किया जा सकता है कि 15 5 जा 75, वैसे 3 से तो और भी कट हो सकता है बट हम कट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 15 5 जा 75/9 मीटर पर सेकेंड। अब V को देखो, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 × इसमें भी 5/18 कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। इसको भी 2 से कट करो तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 35 जा 150। इसको 3 से, ये 3 से कट हो सकता है, इसको भी कट कर लेंगे और छोटा कर लेंगे। सो ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। सो 10 5 जा 50/3, 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसको भी अब 3 से कट कर लो क्योंकि सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। सो इट इज 25/3 मीटर पर सेकेंड और ये हुआ 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो यू और वी हमको पता चल गया। अब लिखो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क करना है अगर स्पीड बढ़ानी है तो किसी भी चीज पर कितना काम करना पड़ेगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल। बट ई के फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो यू होती है। यदि हम हाफ और एम को कॉमन ले लें तो अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। मास उसका दिया है 1500 kg, किसी कार का मास 1000 किलो से ऊपर ही होता है, फिर अलग अलग कार होती हैं। सो 1500 इंडिका है तो वो भारी होती है, तो वेलोसिटी यहाँ रख दो वी है, तो 50/3 का स्क्वायर और माइनस यू कितना है, 25/3 इसका स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने इनकी वेलोसिटी रख दी है, जो भी वेलोसिटी थी फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर ऊपर के फार्मूले से रख दिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं 50/3 मीटर पर सेकंड और ये है 25/3 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को रख दिया है। अब जरा देखें, इससे इसको कट कर दो तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0, तो ये 750 हो गया। अब अंदर आइए, 50 का स्क्वायर करो तो 2 5 0 0, 3 का स्क्वायर करिए तो 9, 25 का स्क्वायर करो तो 625, 3 का स्क्वायर करिए तो 9। चूंकि इनका कॉमन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कॉमन होने से 9 एक साथ लिया जा सकता है और 2 5 0 0 - 625 ऐसे कर लो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1875 आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को 3 से कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0, और यहाँ भी 3 से कट कर दो तो इसके पास 3 आ जाएगा। अब ये आ गया 250 और अंदर सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1875/3, 3 से ये कट हो जाएगा तो 3 से इसको कट कर लो, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 625 को 250 से मल्टीप्लाई करो तो पहले 0 से करो फिर 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30, फिर 2 से कर दीजिए, 2 है तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 0 5 2 6 5 1।
1562, 50 ये चीज आ गई। सो 1562 जूल, दिस मच वर्क इज टू बी डन। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि अलग अलग निकाला गया है डेसिमल में, तो इससे उनका आंसर अप्रोक्सीमेटेड हो गया। जैसे आप देख रहे हैं 8.33, 16.67, और फिर जब आप 1500 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई होने से अप्रोक्सीमेशन और बढ़ जाता है 1500 टाइम्स। इसी तरीके से दूसरे में किया तो उसका भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड हो गई, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो इतना डिफरेंस आ गया 1563 75। अब जबकि हमारा 1562 50 है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन कहीं लिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर ज़्यादा करेक्ट है। तो आप भी इसी को प्रिफर करें, वर्क एनर्जी थ्योरम सीधा लगाकर इसी को आप कैलकुलेट करें। नाउ सो वर्क डन ऑन बॉडी इज दिस मच, इज वर्क डन ऑन बॉडी। इतना हमने उस पर वर्क डन किया है। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सो पेज नंबर 152 फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो द एनर्जी पजेस्ड बाई ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स फॉर्मूला इज के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो दो चीजें आपको लिखनी होंगी। तो वैसे सेकेंड क्वेश्चन में फिर यही पूछ लिया गया है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फर्स्ट इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। सेकंड इज राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये सेकंड का आंसर है। अब थर्ड देखिए, पहले में तो डेफिनेशन आ जाएगी। अब देखें थर्ड क्वेश्चन सेज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। 5 मीटर से चल रही है और 25 जूल उसकी वेलोसिटी है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। तो किसी चीज की वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और ट्रिपल हो जाए तो कितनी है। जरा देखें कि अभी कोई चीज कह रहा है कि अभी कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल, ऐसा बोल रहा है। तो अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो ई के क्या होगी ये चीज। और अगर उसकी वेलोसिटी ट्रिपल हो जाएगी, ये 5 है इसकी 3 गुनी कर दो, कह रहा है 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो उसकी ई के क्या होगी। आप इनको ई के डैश और ई के डबल डैश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग होंगी। जब वेलोसिटी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो पहला केस लो, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हम एक्सप्रेशन जानते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी शुरुआती केस में दी है, ये फर्स्ट केस है कि जिसमें ये है। तो एक तरीके से ये तो इनिशियली है, ये फर्स्ट केस है कि अगर डबल हो गई तो क्या होगा, और सेकंड केस में पूछा गया है कि अगर ट्रिपल हो गई तो क्या होगा। दो अलग अलग केस पूछे गए, ये तो इनिशियली है। अब देखो 25 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर,
क्योंकि 5 थी शुरू में, ये तो इनिशियली हमने निकाली, इससे मास निकल आएगा। तो 25 इंटू 2 कर दो, इंटू एम इंटू 25, 2 को उधर ले गए, अब मास कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 अपॉन 25, उधर का 25 इधर ले आओ तो ये कैंसिल हो गया, तो मास 2 केजी हो गया। नाउ मास इज 2 केजी। एंड अब सेकेंड केस ये देखिए, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में ई के डैश इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। वेलोसिटी बदल गई, आपने डबल कर दी, व्हेन वेलोसिटी इज डबल, ऐसा लिख भी सकते हो, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड। तो ऐसा लिख लीजिए, तो हाफ ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं बदलेगा, वेलोसिटी बदलती चली जाए, मास तो वही रहेगा, तो मास 2 केजी है और वेलोसिटी कितनी हो गई, डबल करने पे देखो 5 से 10 कर दी है, तो 10 का स्क्वायर, तो 2 और 2 कट गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 जूल। तो पहले 25 जूल थी, देखो वेलोसिटी के डबल करने से, डबल की काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गई, 25 का 4 टाइम्स होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर लग रहा है, तो वेलोसिटी डबल करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगी, और ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगी, ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, ये भी अभी हम देख लेंगे। तो आपने देखा कि डबल करने पे 4 टाइम्स हो गई। सो दिस इज ई के डैश इज इक्वल्स टू 100 जूल। अब केस, फर्स्ट केस है, केस नंबर 2 देखो, सेकेंड केस, इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, अगर वेलोसिटी ट्रिपल कर दी जाए, सो ऐसे केस में ई के डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर। तो हाफ इंटू 2 इंटू 15 का स्क्वायर, क्योंकि अब ट्रिपल कर दी है, पहले 5 थी अब 15 कर दी है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 जूल। तो देखिए 9 टाइम्स हो गया है, 25 9 या 225 होता है, तो 3 गुना किया, 3 टाइम्स किया, तो ये 9 टाइम्स हो गया। सो वेलोसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बदलती है, सो ये ई के डबल डैश हो गया। सो इन दिस वे वी सी दैट इफ वेलोसिटी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी इज क्वाड्रुपल्स 4 टाइम्स, एंड व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। When velocity is doubled, then Ek becomes 4 times of initial kinetic energy, and when velocity is tripled, then Ek becomes 9 times of kinetic energy of initial value। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।